हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में उसका सोर्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सोर्स के ही थ्रू हम उसकी सोशल, उस टाइम पीरियड की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझते हैं। और जैसे जैसे समय बदलता है, हम उस सोर्स को उस क्रोनोलॉजी में एडजस्ट करते रहते हैं और हमें पता लगता है कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। वैदिक एज से पहले हमारे पास रिटन टेक्स्ट नहीं थे, रिटन रिसोर्सेज नहीं थे। आप कहेंगे हड़प्पा में स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट डेसिफर्ड नहीं थी। इसलिए प्री हिस्ट्री का जो नेमिंग है, जो नोमेनक्लेचर है, वो हम उसके कल्चरल एलिमेंट्स के आधार पर करते हैं, पैलियोलिथिक कल्चर, पॉटरी कल्चर। लेकिन जब हम 1500 बीसी तक पहुंचते हैं, हमारे पास एक वास्ट बॉडी ऑफ लिटरेचर है, अर्लीएस्ट टेक्स्ट। ये रिलीजियस टेक्स्ट थे और ये टेक्स्ट थे वैदिक टेक्स्ट। इन वैदिक टेक्स्ट के आधार पे हमने 1500 बीसी से लेके 400 बीसी तक का टाइम पीरियड रिकंस्ट्रक्ट किया है। इन वैदिक टेक्स्ट के आधार पे हमने सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ रिकंस्ट्रक्ट की है। हमने उस समय के आदमी का माइंड समझने की कोशिश की है। इस कार्यकाल में हमने देखा है कि सही और गलत का मायना क्या था, क्या कुछ सही लगता था, क्या कुछ गलत लगता था, इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया क्या था। तो यह कार्यकाल समझने से पहले सबसे पहले हमें वैदिक लिटरेचर समझना पड़ेगा। वैदिक लिटरेचर क्या है और इसके एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। अगर मैं वेद की बात करता हूं, वेद वर्ड आता है विद्या से, विद से, विद मतलब जानना। और पूरा जो वैदिक लिटरेचर है वो दो हिस्सों में बंटता है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति का मतलब है कि वो टेक्स्ट जो ऋषियों ने रियलाइज किए हैं, उनकी बुद्धि का निर्माण नहीं है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब ये पुरुष बुद्धि द्वारा निर्माण नहीं किए गए। जब ऋषि मेडिटेशन में होते थे, ध्यान में होते थे, तो उस समय आत्मन और ब्रह्मन का जो कनेक्ट होता था, उन्हीं के द्वारा इन वेदों का निर्माण हुआ है। और स्मृति वो टेक्स्ट है जो बुद्धि द्वारा निर्माण किए गए हैं, जो याद रखने हैं। तो अगर मैं वेद की बात करता हूं, श्रुति की बात करता हूं, उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट है। हमारे पास आज जो ऋग्वेद अवेलेबल है वो है शाकाल रिसेंशन का, उसमें 1028 श्लोक है, 10 मंडल है, और ये 10 के 10 मंडल एक टाइम पीरियड के नहीं है। इन 10 मंडलों में से 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 6 मंडल हैं, इन्हें फैमिली बुक्स कहा जाता है। फैमिली बुक्स कहा जाता है क्योंकि 6 ऋषि थे जिन्होंने इन मंडलों को कंपोज किया, जैसे गृत समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। और इसके अलावा जो 8वां मंडल है उसे कण्व ऋषि ने कंपोज किया था, और कण्व ऋषि को मिला के इन सभी 6 ऋषियों को सप्त ऋषि कहा जाता है। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद का 1, 8, 9 और 10वां मंडल जो है, इसको लेटर वैदिक टेक्स्ट में माना जाता है, इसको अर्ली वैदिक लिटरेचर में नहीं माना जाता। 8वां जो मंडल है ये कण्व ऋषि के द्वारा कंपोज किया गया है। 9वां जो मंडल है ये सोम देवता सोम देवता को अर्पित है। और 1वां और 10वां मंडल इसे सबसे लेट माना जाता है, इसमें पुरुष सुक्त हिम भी है। तो अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो इस कार्यकाल में, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, जिसमें 2 से लेके 7वां मंडल तक है, इसका कार्यकाल माना जाता है 1500 से
900 बीसी तक का टाइम पीरियड। और इसके अलावा बाकी जो सारा लिटरेचर है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों के ब्राह्मण, देखिए जब मैं ये ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, इसको आप ब्राह्मण समाज से कंफ्यूज मत कीजिए। ये जो ब्राह्मण्स थे ये दरअसल अपेंडिक्स थे। इन ब्राह्मणों का काम यह था कि ये एक यज्ञ अनुष्ठान का मतलब समझाते हैं, उस पर कमेंट्री। और ऋग्वेद के भी जो ब्राह्मण हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, इसको हम लेटर वैदिक एज में मानेंगे। इन ब्राह्मणों के नीचे होते थे अरण्यका, और अरण्यका के नीचे होते थे उपनिषद, तो इसके नीचे भी हमें मिलेंगे अरण्यका और उपनिषद। अरण्यका और उपनिषद आपस में फिलॉसफीज थे, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था। इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में पूरी जो फोर्सेस ऑफ नेचर है उनके लिए हिम्स लिखे गए हैं। फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे नदी, सूर्योदय, सूर्यास्त, या फिर रेनी सीजन, थंडरिंग, बिजली का कड़कना, इन सबको जो है नेचुरल फोर्सेस को ह्यूमन फॉर्म में परसोनिफाई किया जाता था और इन पर हिम लिखी जाती थी। अग्नि जो है एक माध्यम माना जाता था गॉड और इंसान के बीच में, जिससे अग्नि में जो भी कुछ अर्पण किया जाए इन हिम्स के साथ वो इन गॉड तक पहुंच जाता था, और फिर इन गॉड से बून मांगा जाता था, वरदान मांगा जाता था। जैसे हम बात करते हैं गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ओम भूर्भुव स्वः तत् स्वरित्र वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वरित्र जो है वो एक सोलर डेटी थे, और धियो यो न प्रचोदयात् मतलब जो सीकर है वो अब लंबी आयु की कामना कर रहा है। तो ऐसे वक्त जब एक अनुष्ठान होता था तो वह व्यक्ति जो है सैक्रिफाइस देता था अग्नि को, और अग्नि को सैक्रिफाइस देते हुए इस हिम को दोहराता था और उस ईश्वर से लंबी उम्र की कामना करता था। यह मोड ऑफ वर्शिप था वेदों का, इसलिए इसको सैक्रिफिशियल रिलीजन कहते हैं। और जब ही एक वैदिक अनुष्ठान होता था उस समय उस प्रीस्ट का होना बहुत जरूरी होता था, और हर एक वैदिक अनुष्ठान में बहुत सारे प्रीस्ट होते थे, जैसे अध्वर्यु, अग्निद, मैत्र वरुण, पोत्री, नेष्त्री, ब्राह्मण। ब्राह्मण उसमें से एक प्रीस्ट थे। और धीरे धीरे हम देखेंगे अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ब्राह्मण उन सभी प्रीस्ट में से एक थे, लेकिन लेटर वैदिक एज तक उनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा। जो व्यक्ति ये अनुष्ठान करवाता था उसे यजमान कहा जाता था, और ये अनुष्ठान के बाद उसे दक्षिणा देनी होती थी। तो ये एक ऋग्वेदिक धर्म का प्रकार था। तो अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदिक लिटरेचर की, तो आपको समझना है कि ऋग्वेद जो है ये अर्ली वैदिक लिटरेचर है, और अर्ली वैदिक लिटरेचर में भी मंडल 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और बाकी जितने भी मंडल हैं 1, 8, 9 और 10 और बाकी पूरा लिटरेचर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के भी ब्राह्मण, अरण्यका, उपनिषद। तो आपको यह नहीं सोचना है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद जो थे अर्ली वैदिक एज में, नहीं, सभी ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद लेटर वैदिक एज में कंसिडर किए जाते हैं। यह हो गया श्रुति लिटरेचर। और जब हम स्मृति लिटरेचर की तरफ आते हैं तो इन सभी वेदों के वेदांग, इन सभी वेदों के आधार पे धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में सूत्र, कल्प सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्व सूत्र, गृह सूत्र, और इनके साथ में जो एपिक्स है महाभारत,
इन सभी को स्मृति कहा जाता है। स्मृति मतलब जो याद रखने, जो बुद्धि द्वारा निर्मित है। तो इस तरह श्रुति और स्मृति, इन दोनों के आधार पर हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक टाइम पीरियड की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। हम उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल फीचर, वो किस तरह के लोग थे, क्या सोचते थे, क्या उनकी व्यवस्था थी, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके हम समझते कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, और हम एक हिस्टोरिकल नैरेटिव सेट करते हैं। तो चलते हैं हम अर्ली ऋग्वैदिक कल्चर की तरफ। अब इसका हमने जो टाइमलाइन एनालाइज किया है वो 1500 टू 900 बीसी है। अब ये बहुत डिबेटेबल रहा है। कईयों ने कहा है कि ऋग्वैदिक कार्यकाल जो है 6000 बीसी तक है, कई 4000 बीसी तक कहते हैं। लेकिन जब हम इस वैदिक टेक्स्ट को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से कोरोबोरेट करते हैं, जैसे बोगास कोई इंस्क्रिप्शन जो है सीरिया में, बोगास कोई एक जगह जहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जहां पे हमें मिलता है नाम इंद्र, वरुण, मित्रा, इन सभी डेटीज का नाम मिलता है, वो बोगास कोई इंस्क्रिप्शन 1350 बीसी का है। उसके अलावा मेसोपोटामिया में जो मितानीस, हिटाइट्स, इन सब के बारे में इंस्क्रिप्शन है, वो लगभग 1500 बीसी के आसपास है। इसके अलावा भी अगर हम बैक्ट्रिया जो रीजन है, मतलब बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के ठीक ऊपर का जो रीजन है, वहां पर जो एंड्रोनोवो कल्चर है, अभी देखिए आर्यन कल्चर की अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कल्चर की, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे स्पोक्ड व्हील। मैंने आपको बताया था कि हरप्पन व्हील जो क्या है, वो फ्लैट डिस्क व्हील है। फ्लैट डिस्क व्हील इतना ज्यादा तेज नहीं हो सकता, लेकिन स्पोक्ड व्हील के कारण जो है उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो इसलिए चैरियट बेस्ड वॉरफेयर संभव हो पाया। तो अगर हम स्पोक्ड व्हील की बात करते हैं, हॉर्सेस की बात करते हैं, चैरियट्स की बात करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आर्यन लाइफ के। जब हम क्रेमेशन की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्यन लाइफ के। तो ये सभी हमें एंड्रोनोवो कल्चर में 1500 बीसी में मिलते हैं, गांधार ग्रेव कल्चर में 1500 बीसी में मिलते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो अर्ली ऋग्वेदिक कल्चर है, इसका कार्यकाल लगभग 1500 से 1200 बीसी से लेकर 900 बीसी तक रहा। और इस कार्यकाल में जो टेरिटरी थी, जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी थी जो आर्यन ने ऑक्यूपाई की थी, वो थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न में मैं सप्त सिंधव रीजन की बात करता हूं। जैसे अगर हम बात करें इस सप्त सिंधव रीजन की, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो रिवर्स मेंशन की गई है ऋग्वेद में, वो सभी यहां पाई जाती है। जैसे सतलज नदी को ऋग्वेद में कहा जाता है सुतुद्री। उसके बाद में जो रिवर रावी है उसे कहा जाता है परुष्णी। ब्यास नदी को कहा जाता है विपश्नी, और चेनम नदी को कहा जाता है अश्किनी। झेलम नदी को कहा जाता है वितष्ट, और सिंधु नदी, ये सभी सात नदी मिलकर बनाती है सप्त सिंधव। तो इस सप्त सिंधव एरिया में आर्यन प्री ऑक्यूपेशन सबसे पहले हुआ था। तो इनमें ऐसा बोला जाता है कि अर्ली वैदिक कल्चर जो है सप्त सिंधव रीजन में था, जो कि 1500 से 900 बीसी तक का रीजन रहा है, टाइमलाइन रहा है। लेट अस चेंज द कलर ऑफ पेन। तो हम ऐसा मानेंगे कि 1500 टू 900 बीसी ये अर्ली ऋग्वेदिक कल्चर है सप्त सिंधव रीजन का, और उसके आगे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन है ये लेटर वैदिक कल्चर है, जिसे हम लेटर वैदिक टेक्स्ट कहते हैं, जिसका टाइमलाइन बोला गया है 900 से 600 बीसी। और उसके आगे का जो टाइम पीरियड है, जिसे हम जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार का है, इसे जैन बुद्ध स्टेज कहा जाता है, 600 टू 400 बीसी। तो अगर हम अर्ली ऋग्वेदिक कल्चर की बात करते हैं, इट इज द टाइम पीरियड, ये कौन सी एरिया है, सप्त सिंधव रीजन। तो अगर हम सप्त सिंधव रीजन की बात करते हैं और अर्ली ऋग्वेदिक कल्चर की बात करते हैं,
तो हम इसकी इनकी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि उस समय जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे उनकी सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, ट्राइबल थी। ट्राइबल कैसी थी? ऋग्वेद में ज्यादा से ज्यादा मेंशन होता है जन का। जन का मतलब होता है ट्राइब। एक जो जन थे वे सभी जन अपने आप में फैमिलीज में डिवाइडेड थे। फैमिली को कहा जाता है कुल, रघुकुल रीत सदाचार। सो कुल वॉज अ फैमिली और कुल में तीन जनरेशन रहती थी, पिता, दादा और पोता। तो अगर हम बात करें ये तीनों जनरेशन कुल में रहती थी, जो कुल के हेड होते थे उन्हें कुलप कहा जाता था। और कभी कभी बहुत सारे कुल सभी मिलके एक कैटल की रक्षा भी करते थे, उनका उनका ध्यान भी रखते थे। तो उन सभी गौओं के आधार पे वे सभी एक गोत्र को बिलोंग करते थे। उन्हें कहा जाता था कि ये सबका गोत्र एक है। सारे कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे और इस ग्राम के अंदर बहुत सारे कुल रहते थे और ये सभी ग्राम जब गौओं के लिए युद्ध करते थे उसे संग्राम कहा जाता था। देखिए अर्ली ऋग्वेदिक कार्यकाल में गौ मतलब काओ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट था, यूनिट ऑफ इकोनॉमी था। पूरी सामाजिक और अर्थव्यवस्था गौ के आधार पर थी। तो अगर मैं बात करूंगा डे टू डे रोजमर्रा के नाम भी ये गौ पर आधारित थे। जैसे सुबह को कहा जाता था समगव, शाम को कहा जाता था गोधुली, गेस्ट को कहा जाता था गोघन, डिस्टेंस को कहा जाता था गव्युति, डॉटर को कहा जाता था दुहित्री, और जो आदमी बहुत वेल्दी होता था उसे कहा जाता था गोमत। और जो व्यक्ति इन सभी गौओं को प्रोटेक्ट करता था उसे कहा जाता था गोपति। तो अगर हम गौ की बात करते हैं, काओ की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी डे टू डे लाइफ में। ये यूनिट ऑफ वेल्थ होती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ज्यादा जो है व्यक्ति धनी होता था। तो आज अगर अगर अंबानी ऋग्वेदिक टाइम में होते तो आप उनको गोमत कहते। तो इस तरह से अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ग्राम के अंदर बहुत सारे कुल होते थे और सभी कुल आपस में गोत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते थे। सभी ग्राम जो है ग्राम का अध्यक्ष होता था जिसे ग्रामानी कहा जाता था और ये ग्राम के अंदर सभी लोग इक्वल थे। मतलब इनके बीच में कोई वर्ण हायरार्की नहीं थी कि ये ऊंचे वर्ण का है, ये निचले वर्ण का है। एक पोजीशन से व्यक्ति दूसरे पोजीशन में भी जा सकता था। जैसे हम विश्वामित्र की बात करते हैं, विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की तीसरे मंडल ऋग्वेद में, तो विश्वामित्र जो थे वे पहले क्षत्रिय थे बाद में ब्राह्मण बन गए। ऐसे बहुत सारे हिम्स हैं ऋग्वेद में जहां व्यक्ति किसी और वर्ण का था दूसरे वर्ण के कार्य करता था। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, क्लासेस के आधार पर ये बटे नहीं थे। तो अगर मैं बात करता हूं ग्राम की, ये सभी जो लोग थे सभी ग्राम के, ये सबको विषय कहा जाता था, विष। और जब ये सभी मिलके जन, जन मतलब ये ट्राइब बनते थे, तो उस समय इन सब का जो लीडर होता था उसे राजन कहा जाता था। राजन का कार्य क्या था? इस जन की रक्षा करना, इस जन के लिए लड़ना और गौ लेके आना। इस राजन के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फंक्शन होता था, या फिर कहें इस राजन के साथ में सभा समिति और विधत होती थी। अब ये समझ लेते सभा समिति और विधत क्या है। सभा जो है इसको कहा जाता था हाउस ऑफ एल्डर्स। इसका मतलब जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे ग्राम के, वे सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति ग्रामानी द्वारा जो भेजे जाते थे वे बहुत सारे कार्य करते थे। कुछ लोग जो है वो सेनानी बनेंगे, कुछ लोग जो है पुरोहित बनेंगे। तो ये सभी मिलके सभा बनाते थे और जब सभी व्यक्ति मिलकर राजन के पास जाते थे या राजन के सामने इकट्ठा होकर निर्णय लेते थे उसे कहा जाता था समिति। तो महिलाएं भी समिति में भागीदार होती थी, महिलाएं भी समिति में भाग लेती थी। और जब वो गौ जो जीत कर आई है उसे पूरी की पूरी प्रजा में जन में बांटा जाता था, उसे उस असेंबली को विदत कहा जाता था।
तो अगर हम कहेंगे सभा समिति विधत, ये तीन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो राजन के ऊपर कंट्रोल रखते थे। आपको ध्यान रखना है कि अर्ली ऋग्वेदिक टाइम में किंग वॉज इलेक्टेड, जो राजन था वो हेरिडिटरी नहीं था, राजन क्या था, इलेक्टेड था। क्योंकि अर्ली ऋग्वेदिक कल्चर में एक कहानी है, कहानी ये है जब सभी देवता असुरों से हारने लगे तो वे सभी ने अपने साथ में मिलके इंद्र को जो है राजा चुन लिया, राजा इलेक्ट कर लिया और फिर वे जीत गए। तो लेटर वैदिक एज में और अर्ली वैदिक एज में फर्क क्या है, अर्ली वैदिक एज में राजा इलेक्टेड था, लेटर वैदिक एज में हेरिडिटरी बन जाएगा। और अगर हम अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक एज में हमें ध्यान रखना है कि इकोनॉमी थी एग्रो पैस्टोरलिज्म और जो एक्सचेंज होता था वो बार्टर के आधार पर होता था। एग्रो पैस्टोरलिज्म का मतलब ऐसा नहीं है कि ऋग्वेदिक आर्यंस को एग्रीकल्चर आता ही नहीं था, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बहुत सारे टर्म्स है वाप लंगल ये मेंशन है ऋग्वेद में, लेकिन ऋग्वेदिक आर्यन जो एग्रीकल्चर करते थे वो थी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये पैस्टोरलिस्ट थे तो ये हमेशा घूमते रहते थे नए नए जगहों पे अपना बसेरा डालने के लिए। तो अब तक ये केवल जन थे, जनपद नहीं बने थे, जनपद बनेंगे लेटर वैदिक एज में। और इनका आपस में जो व्यवहार होता था वो था एक्सचेंज का। तो ऋग्वेदिक कार्यकाल के अंदर एग्रो पैस्टोरलिज्म था और बार्टर एक्सचेंज था। जो कल्चर था मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सैक्रिफिशियल रिलीजन था। अभ्युदय का मतलब समझ लेते हैं। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटी थे वो थे इंद्र और उसके बाद थे अग्नि। इंद्र को 250 हिम्स डेडिकेट की गई, इंद्र पुरंदर कहा गया है उन्हें, वृत्र को मारने वाला कहा गया है। इंद्र को कहा जाता था कि इंद्र जो है वो अपने शत्रुओं पर विजय पाता है और उनकी गौएं साथ ले आते हैं। तो इंद्र को हमेशा जो इन्वोक किया जाता था, सभी मिलके जो है इंद्र को इन्वोक करते थे कि हमें इस युद्ध में विजयी करो। और इनकी इनकी अभिलाषा क्या होती थी, इनकी अभिलाषा होती थी हमें और गौएं चाहिए, और ज्यादा दे वॉन्टेड काउज, क्योंकि जो गौ थी द काउ वॉज द यूनिट ऑफ वेल्थ, उसी से उनकी प्रॉस्पेरिटी आधारित थी, निर्भर थी। तो अगर हम सैक्रिफिशियल रिलीजन की बात करते हैं तो पूरे जीवन काल के सभी एस्पेक्ट्स को इन्होंने डेटी द्वारा पर्सोनिफाई कर दिया था। जैसे वरुण थे, वरुण रीत का ध्यान रखते थे, तो कोई भी व्यक्ति मरने के बाद जो है वरुण के पास जाता था। वरुण के पास अपने श्वास थे, स्पाइस थे जो हर जगह घूम रहे हैं, और वरुण निर्धारित करते थे कि वो व्यक्ति हाउस ऑफ फादर्स में जाएगा या हाउस ऑफ क्ले में जाएगा। मित्रा, अरण्यानी, उषा, रुद्र, विष्णु, ये जो विष्णु डेटी, ये बाद में वैष्णव सेक्ट वाले विष्णु से थोड़े अलग थे। रुद्र की अगर हम बात करें, हाउलर स्पिरिट थे, इनके साथ मरुत थे, सूर्य के साथ में अश्विनी, सूर्या। तो अगर हम बात करें ये दिन से लेके रात तक जो पूरा इनकी इनका कार्यकाल था, ये पूरा गॉड्स द्वारा, ये सब पूरे अपने आसपास दुनिया को पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड समझते थे और उन्हें खुश रखने में ही अपनी प्रॉस्पेरिटी मानते थे। तो इसीलिए हमेशा सैक्रिफिशियल रिलीजन होता था, यज्ञ में आहुति दी जाती थी। तो दिस वॉज द, ये था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऋग्वेद का, फीडिंग फोर्सेज ऑफ नेचर वाया सैक्रिफाइस। अब इस ऋग्वेदिक कार्यकाल से हम मूव करते हैं लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक कल्चर के बाद अब हम बढ़ते हैं लेटर वैदिक कल्चर की ओर। इसका टाइमलाइन है 900 टू 600 बीसी। इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली। क्यों हुए ये चेंजेस? क्या सिर्फ डिस्कवरी ऑफ आयरन एक इंपॉर्टेंट रीजन था? क्योंकि डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि जैसे ही आयरन डिस्कवर हुआ इसीलिए आर्यंस जो है वो बिहार तक कॉलोनाइज करते गए ताकि उनको आयरन ओर के माइंस मिले। अब तक ये थ्योरी डिस्कार्ड की जा चुकी है। क्या ये सिर्फ राइस के आधार पर था? क्या हुआ कि ये जन जनपद में बदल गए? क्या हुआ कि राजन जो है हेरिडिटरी हो गए?
ऐसा क्यों हुआ कि सैक्रिफिशियल रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ब्राह्मण सबसे ऊपर हो गए? ऐसा क्या हुआ कि हम किंगडम्स की तरफ जाने लगे? आइए समझते हैं कि हुआ क्या 900 से 600 बीसी की ओर। जब हम इस टाइम पीरियड में जाते हैं तो हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न यूपी की तरफ, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी और हरियाणा का जो रीजन है। अब देखिए, ये एक फर्टाइल ट्रैक्ट है और यहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब क्या हुआ, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के बाद जैसे जैसे ये ट्राइब्स आपस में लड़ते हुए बढ़ती गई और कॉलोनाइज करती गई, हमने देखा कि एक पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। अब देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तब हमारा सामाजिक दायरा कम होता जाता है। पुरुष सूक्त हिम दसवां मंडल जो है ऋग्वेद का, वो कहता है कि जब पुरुष को सैक्रिफाइस किया गया उस समय चार वर्ण निकले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यही चार वर्ण के आधार पर आर्यन सोसाइटी का निर्माण हुआ। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ऋग्वेद एंड हो रहा था ये इगैलिटेरियन सोसाइटी हायरार्किकल बन रही थी। सबसे ऊपर रहे प्रीस्टली क्लास, ब्राह्मण, उसके नीचे आए क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद के राजन, सेनानी, सेनापति, जितने भी लोग थे, उसके नीचे आए विषय और उसके नीचे शूद्र। तो हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की 900 से 600 बीसी, इस वक्त हम देखते हैं कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया वो शिफ्ट हो जाता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ, और सोसाइटी जो है हमारी वो सोसाइटी अभी इगैलिटेरियन नहीं रहेगी, वो सोसाइटी हमारी हायरार्किकल हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, एक वर्ण हायरार्की आ जाती है। देखिए, अगर हम बात करें ब्राह्मण की, ब्राह्मणा, उपनिषद, अरण्यका, इन सब में इस वर्ण हायरार्की के बारे में मेंशन किया गया है। इन सभी टेक्स्ट में इस वर्ण को ही धर्म कहा गया है। देखिए, धर्म की अगर हम बात करते हैं, इसकी संधि आती है ध्री वर्ड से। ध्री का मतलब होता है टू अपहोल्ड, उसको सपोर्ट करना। तो वर्णाश्रम धर्म, तो हरेक व्यक्ति के वर्ण के आधार पर चार आश्रम निर्धारित किए गए थे, या फिर पुरुषार्थ बताया गया था। एक व्यक्ति का पुरुषार्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम चार आश्रम की बात करें, सबसे पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। तो इस तरह अगर हम इन चार आश्रम की बात करें, इन चार वर्ण की बात करें, धर्म की बात करें, तो इससे बना वर्णाश्रम धर्म। और उस समय धर्म के आधार पर कई शास्त्र लिखे गए। तो लेटर वैदिक एज में हमें क्या मिलते हैं, स्मृति। स्मृति किसका, धर्म शास्त्र। तो धर्म शास्त्र में श्रौत सूत्र, अभी देखिए क्या होता है कि लेटर वैदिक एज तक आते आते हम देखते हैं कि जो रिलीजन है, धर्म है, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। रिचुअल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते। एक व्यक्ति का पूरा जो कार्यकाल था, जीवन था, वो सैक्रिफाइसेस, यज्ञ के आधार पर था, संस्कार के आधार पर था। जन्म लेने के पहले और मृत्यु के बाद भी संस्कार थे। 16 संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो जन्म लेने के पहले भी पुंशवन संस्कार था, मतलब जन्म लिया भी नहीं है उससे पहले भी संस्कार थे, और मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के संस्कार थे, जैसे जो पिंडदान, और अगर हम श्राद्ध की बात करें, ये सभी संस्कार एक आर्यन वे ऑफ लाइफ थे। तो इन सभी संस्कारों से, इस मान्यता से हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो थे इनका महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो फिर विवाह नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होंगे तो नामकरण नहीं होगा। अगर हम कहें, अगर वो संस्कार नहीं करेंगे तो टेक्स्ट के मुताबिक उस व्यक्ति की, व्यक्ति को जीवन के बाद की जो राह है, मतलब उसे बाद में स्वर्ग हो या नर्क हो, इसकी भी राह नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, तो उस समय एक ब्राह्मण का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिचुअल्स का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और सैक्रिफाइसेस का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये वो टाइम पीरियड था जब हम देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न टाइप के सैक्रिफाइसेस आते हैं। जैसे हम यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण बहुत सारे रिचुअल्स की बात करता है।
एग्रीकल्चर से लेके हर एक जीवन के कार्यकाल की। हम बात करते हैं अथर्ववेद, हम उपवेद का निर्माण अगर हम देखें, जैसे ऋग्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद होता है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद होता है शिल्प वेद, अथर्ववेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। तो हम देखते हैं कि सभी वेदों के अंदर विभिन्न टाइप के संस्कारों का, यज्ञों का, मेथड्स का, बिलीव्स का मेंशन होता है। ब्राह्मण उनकी व्याख्याएं करते हैं, ब्राह्मण जो टेक्स्ट है। अरण्यक और उपनिषद इस बारे में फिलॉसफी भी देते हैं। देखिए कभी कभी उपनिषद जो है ये क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये सैक्रिफाइस की जरूरत क्या है, लेकिन हम ये बात तय कर लेते हैं जब हम ये टेक्स्ट पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं कि इस कार्यकाल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सैक्रिफाइसेस होने लगे। और पॉलिटिकली इन सैक्रिफाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट तीन सैक्रिफाइस थे। वो सैक्रिफाइस थे अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय यज्ञ, जिसे श्रौत सूत्र में कहा जाता है। अगर मैं धर्म सूत्र की बात करूं, धर्म सूत्र में श्रौत सूत्र की बात करें, श्रौत सूत्र का मतलब होता है पब्लिक सेरेमनी। देखिए जैसे आज के समय इलेक्शंस होते हैं, वैसे उस समय श्रौत सूत्र की सेरेमनी होती थी, श्रौत यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो इसमें पूरी की पूरी आर्यन समाज आकर उसमें भागीदारी होता था, उसमें भाग लेता था। इसको श्रौत सूत्र कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में पंच महायज्ञ करता है उसे गृह सूत्र कहा जाता है। और इन सब की विधि हमें कल्प सूत्र में मिलती है। और कल्प सूत्र के अंदर एक पर्टिकुलर विधान का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इसको हमें मिलता है शुल्व सूत्र से। शुल्व सूत्र में इंडियन ज्योमेट्री पहली बार हमें मिलती है कि नवग्रह कहां रखने हैं, किस तरह, कितनी चारों दिशाएं, दसों दिशाएं किस किस तरफ होती है, इन सब का जो वर्णन है हमें यह मिलता है शुल्व सूत्र से। तो हम देखते हैं लेटर वैदिक कार्यकाल की तरफ, इन कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स के कारण किंग की पोजिशन बहुत बढ़ जाती है, वो हेरिडिटरी पोजिशन पर चला जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन हो जाती है ब्राह्मण की, क्योंकि वो ब्राह्मण ही है जो हर चीज को लेजिटिमाइज करेगा। अगर ब्राह्मण ने उस पर्टिकुलर रिचुअल को नहीं किया तो उसे लेजिटिमाइज नहीं समझा जाएगा। तो हम देखते हैं कि हेरिडिटरी किंगशिप उस समय इवॉल्व हो जाती है और जन से अब जनपद जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि क्षेत्र, राष्ट्र, इनका वर्णन हमें मिलता है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। कुरु एक ट्राइब थी, कुरुक्षेत्र एक राष्ट्र था। और राष्ट्र के आते ही हम देखते हैं कि उसके साथ बनती है एडमिनिस्ट्रेशन, सेनापति, सेनानी, समहत्री, सानिधत्री, भागदूघ, इस तरह से ऑफिशियल्स बनने शुरू, ऑफिशियल्स आ जाते हैं। और किंग और उन पूरे ऑफिसर्स के साथ लेटर वैदिक कल्चर में हम देखते हैं मोनार्की एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाती। तो लेटर वैदिक कल्चर में हम क्या देखते हैं, मोनार्की गेटिंग फॉर्म्ड। तो हमने क्या देखा कि लेटर वैदिक कल्चर में देयर वाज कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स आ जाते हैं, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस होते हैं, धर्म शास्त्र का निर्माण होता है और ऑर्थोडॉक्स कल्चर्स। अब लेटर वैदिक एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं, एग्रीकल्चर की कैपेसिटी होती है ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की। तो लोग सेटल होने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, सरप्लस क्रिएट होने लगा और धीरे धीरे आयरन के कारण अब जो है डीप प्लोइंग संभव थी। डीप प्लोइंग के कारण राइस कल्टीवेशन होनी शुरू हो गई, इनसे नगर का निर्माण भी होना शुरू हुआ। तो हम देखते हैं नगर के निर्माण होने के बाद और ज्यादा फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन होने लगी। अर्ली ऋग्वेदिक काल का जो व्यक्ति था वो केवल और केवल ज्यादा लंबी आयु चाहता था और ज्यादा कैटल चाहता था। तो उसका जो एम था वो था अभ्युदय। लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज की तरफ जाते हैं, यहां का जो व्यक्ति था वो अपने कार्यकाल में वो चाहता था जो उसके साथ सदैव रहे। तो उसे चाहिए था नित्य श्रेयस। अब उसे केवल अभ्युदय नहीं चाहिए था, उसे नित्य श्रेयस चाहिए था।
मतलब उसे अभय चाहिए था जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहे। तो अगर हम मोक्ष की बात करते हैं, अगर हम सेल्वेशन की बात करते हैं, वो इस दौरान डेवलप होना शुरू। तो अर्ली ऋग्वेदिक कल्चर के आधार पर, जो वेदिक टेक्स्ट की मान्यताएं थी उनके आधार पर, दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन इस कार्यकाल में डेवलप होती है जो पूरे के पूरे वैदिक रिलीजन का स्तोत्र है। वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। पहली डॉक्ट्रिन ये है कि कर्म का फल के कारण ही एक व्यक्ति को उसका वर्ण और जीवन, अगला जीवन मिलता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता और सनातन धर्म की, जो आज के कार्यकाल में है, इसमें और अब्राहमिक रिलीजन में दो बातों का डिफरेंस है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ थ्योरी ऑफ कर्म, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, और दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये दोनों जो बिलीफ सिस्टम है, इन्हीं के आधार पर पुनर्जन्म की थ्योरी आती है, इन्हीं के आधार पर आता है कर्म फल। तो इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रों का निर्माण होता है, और ज्यादा यज्ञों का निर्माण होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एक आर्य का, वो अभ्युदय से बदलकर हो जाता है नित्य श्रेय से। और इसी दौरान हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर डेवलप होता है, डाइवर्सिफाई होता है। कुछ लोग जो है ब्लैकस्मिथ होते हैं, कुछ लोग टेक्सटाइल वर्कर वीवर्स होते हैं, कुछ लेदर वर्क करते हैं। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी होती है, और ज्यादा एक्सचेंज होता है। कुछ लोग नगर में रहते हैं, कुछ लोग ग्रामीण में रहते हैं, और धीरे धीरे जो एक कुल था वो गहपति में बदल जाता है। गहपति के साथ दास होते हैं, और गहपति और दास मिलके ज्यादा कृषि के एरिया में, और ज्यादा जो राइस है, व्रीही है, उसे उगाते हैं, और उसका सरप्लस जो है एक नगर की तरफ जाता है। बलि जो कि वॉलंटरी टैक्स था, अब एक ऐसा टैक्स बन जाता है जिसे देना ही होगा व्यक्ति को। बलि बन जाता है भाग, और उस भाग को कलेक्ट करने वाला का ऑफिशियल होता है भागदूग। तो देखते हैं हम बलि, बाघ, कर टैक्सेस बन जाते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड में एक चतुर्वर्ण सिस्टम डेवलप हो जाता है, और इस चतुर्वर्ण सिस्टम के आधार पर बनता है उसका पूरा इकोनॉमी, उसकी पूरी सोसाइटी, उसका पूरा कल्चर, और इन्हीं के आधार पर बनती है उसकी फिलॉसफी। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद, उन सभी वेदों के अंग, और शुल्व सूत्रों की अगर हम बात करते हैं, इन सभी का स्तोत्र जाता है लेटर वेदिक टाइम पीरियड में। अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हो रही थी, टाउन्स और बढ़ रहे थे, हम देखते हैं ग्रेजुअली जो सिविलाइजेशन है वो और ईस्ट की तरफ बढ़ती है। और जब हम 500 बीसी की तरफ जाते हैं, थोड़ा और ईस्ट की तरफ हम जाते हैं, 600 बीसी से, 900 से 600 बीसी की तरफ, तो हम देखते हैं कि अब जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता निर्माण करेगा, और इसके दो धर्म इस ब्राह्मणिकल धर्म की तरफ का विरोध करेंगे, जिसे हम कहते हैं हेट्रोडॉक्स रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म।